एक्चुअली ये रोडटा हूँ इरीगेसन रहा काढ़ा ना केनाल जोड़ा थिला परवर्ती अवस्था जेहेतु गोटे बहुत गुटे घर द्वार बढ़ीगला तापर आम बीएमसी रु केत गुड़ाक आपार्टमेंटर एनओसी पैसा आम आपको डेभलप कराइचु पखापाखि दुईट तीनो आपार्टमेंट जमा एनओसी नहीं अंचल दसटा रु बारटा रु आर्ध हम आपार्टमेंट गुड़ा जो रही से कई एनओसी नहीं ना ना एनओसी कई इच्छा शक्ति ना एनओसी न नहीं कि से सब हैंडओवर देदे बर्तमान लोक रहीगला जो सोरेज ड्रेनेज ये जो समस्या सब यहाँ कला भाया परिस्थिति बर्तमान ना तथापि आम आग को ये जो समस्या अच्छी मैडम तो अच्छा समस्या पे आज समाधान पे आम व्यवस्था करुचु द्वितीय तो हूँ लोक मैंने केमती एनओसी ने से आम से सचेतन करुचु आ जो मैंने सोरेज पा छाड़ ए रोड उपरको से मानकूद कराई मैडम तागिद करापर आ सोरेज पा रास्ता को छाड़बेनि से सोरेज टैंकर आणिक से नहींक जी सोरेज गुड़ाक आउ ड्रेन भविष्य ए विषय आलोचना करा जाउछि निश्चित भाव ड्रेन करा जिवो अनुमति नथिया अनुमति नथिया घर रे अनुमति नथिया घर रे बिना रे दुकान चलछि ना ट्रेल लाइसेंस ना जति तांकर टैक्स भरुछन्ति ई गुडे समस्या मध्ये रहिछि घरे घर रे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रे हां सेगुडा को सब वर्तमान तो मैडम को नॉलेज को आसिला निश्चित भाव आगु को सोडा सब जेमते बीएमसी रो रेवेन्यू गुडा का आसीबो से मानु कलेक्शन हेइ परबो सेति प्रति मैडम ध्यान देबे मु मध्ये मैडम को ए विषय नै रिक्वेस्ट करियो जो अपन कहले 10 12 टी अपार्टमेंट रे नहीं आमर नियम अच्छे सर्टिफिकेट केस करा जाई पारिबो से ओनर ना रे जी अपार्टमेंट करछे सेटा भी हेई पारिबो या परे सेई पदक्षेप नेबो ये कौन एनओसी नहीं नाथी बोले कहते जदि एनओसी नवा कथा आज जाए म्युनिसिपैलिटी कौन करूला तेल आम कमी रेजिस्ट्रेसन कले घर तो पुणी रेजिट्रेसन होना आम होल्डिंग टैक्स पाँच सब करुँ कहीं आक्शन नहीं ना आज जाए फाइन पका मुझे 4 वर्ष रही कि 2014 रु घर ये 8 वर्ष घर या मुझे जो ड्रेन पापाई सका पूरा पूरी आंठू आंठे पा सीटा कहीं ये करना जो मैंने करें तो किसी इनफ्लुएंस थी से करते कारण श्रीधर जान जानी ना ये कर सब आस देखें सब जानस सब जिन कि कौन खाली आज पलि आसे ये ये तेणुक यार समाधान ना जाए किसी ड्रेन ना जाए किसी तरह समाधान हो पारे समाधान सुरेज ड्रेनटा निहाती दरकार कारण जो गोटे गोटे फ्लाट्रे ये पा आम सीना सुरेज टैंकटा खाली करूँ तन गुड़ा कमी खाली करूँ सुरेज टैंक गोटे 4000 लिटर पा रोचे आम 2000 लिटर पा प्रतिदिन भर्ती हो कमी सल्व ड्रेन ना जाए कौन समाधान हो पार से कहीं ये करना जी जगह माड़ी काटू ना कहीं किसी इनफ्लुएंस लोक भी अच्छे ये करना ये जो सब अरविंद स्कूल अच्छा सी तो रोड पर पहाच कर कहीं काटू ना स्टार्टिंग अच्छा कॉर्पोरेट जगह अच्छी सीटा मतलब कटा होनी सेमती है खाली इनफ्लुएंस लोकों द्वारा ये सब हो समाधान न हो किसी हो पार निश्चय सपोर्ट करी निश्चय सपोर्ट करी कहीं आम तो सुविधा होता ना आम आम जब पानी तो ये हाँ सब हाँ आम कहीं रोड पर छाड़ आवश्यक कौन आमको कौन खुशी लगे ना कौन नहीं दुर्भाग्यजनक कथा ये लोक मैंने जो मैंने घर कर प्रथम कथा हूँ आपार्टमेंट करदे कि एनओसी नहीं ना द्वितीय कथा हूँ अनऑथराइज भाव में जो रास्तार जो 40 फुट थिला तादर से पखापाखि 10 फुट से माने माड़ी बस जहाँकि ड्रेन हवा कथा जो जगह ताकू एक तो परमिशन किछि नै नाती ता छोडा रेसिडेंशियल घर करके सब दुकान कर देइछन्ते से दुकान भी कोनोसी ट्रेड लाइसेंस नै नाती ये सब परिस्थिति रे से माने आपण जानिछन्ते भुवनेश्वर अनेक जगह रे ड्रेनेज समस्या मध्ये रहिछि पेरिफेरी रे जोथरे सोरेज नाही ड्रेनेज नाही सेठी सोरेज नथिबा जको से मान सब टांकी करके टॉयलेट पानी रखन्ते एवं सेसफुल गाड़ी आणिके उठेबा व्यवस्था करा जाइछि एठी ता मध्ये करूनांती जे एठी अपार्टमेंट हेछि एते लोकन को भड़ा दिया जाइछि किछि लोकन को बिक्री मध्ये हेछि केमिति बिक्री करछन्ती से कथा भगवान को जणा रजिस्ट्रेशन तांकर केभळी हैला
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱେରେଜ୍ ପାଣି ନେଉନାହାନ୍ତି, ରାଦର ରାତିରେ ପମ୍ପ ଲଗାଇକି ଟଏଲେଟ୍ ପାଣିକୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱେରେଜ୍ ପାଣି ପଦାରେ ଭାସୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ନିଂ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ NOC ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କମର୍ସିଆଲି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଇବୁ। ଆଉ ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି ଡ୍ରେନ୍ ଆଉ ସ୍ୱେରେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ଅନଅଥରାଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେଇମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ସେ କମ୍ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ସ୍ୱେରେଜ୍ ପାଣିକୁ ପଦାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେସ୍ପୁଲ୍କୁ ଡାକିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ NOC ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ ସରକାର କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ତେଣୁ BMC ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ BMC ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସ୍ୱେରେଜ୍ କାମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଠି ଡ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି। ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହେବ, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ରୟାସ। କିନ୍ତୁ ଜବରଦଖଲ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ, ପୁଣି ସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଜବରଦଖଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ କେଉଁଠୁ କରିବୁ, ସ୍ୱେରେଜ୍ କେମିତି କାମ ହେବ।